जानकारी के मुताबिक टाटा अपनी अल्ट्रोस का 7 सीटर वेरिएंट लॉन्च करने वाला है। जिस तरीके से हुंडई ने अपनी क्रेटा का 7 सीटर वेरिएंट अल्कांतारा को लॉन्च किया था और टाटा ने अपनी हैरियर का 7 सीटर वेरिएंट सफारी को लॉन्च किया था, उसी तरीके से टाटा सोच रहा है जो लोग सफारी नहीं ले सकते लेकिन वो टाटा की 7 सीटर लेना चाहते हैं, तो इसीलिए टाटा अपनी अल्ट्रोस का 7 सीटर वेरिएंट लॉन्च करने वाला है। लेकिन टाटा इस कार को 10 लाख तक के बजट में लॉन्च करेगा। जिस प्राइस में इसको लॉन्च करने वाला है उस प्राइस में मारुति की रिटिगा और रेनो की ट्रैवर आती है। अगर इन दोनों गाड़ियों की सेफ्टी की बात करें तो टाटा की अल्ट्रोस को ग्लोबल एनसीएपी में 5/5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, लेकिन इन दोनों गाड़ियों को मारुति की रिटिगा और रेनो की ट्रैवर को ग्लोबल एनसीएपी में 3 स्टार मिले हैं मारुति की रिटिगा को और 4 स्टार मिले हैं रेनो की ट्रैवर को, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन रेनो की ट्रैवर एक काफ़ी कम प्राइस में आया था लेकिन फिर भी इसके अंदर आप 5/4 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन टाटा अपनी अल्ट्रोस को इन्हीं दो गाड़ियों के कंपटीशन में खड़ा करेगा और जो टाटा अल्ट्रोस की जो लेंथ विड्थ और हाइट होने वाली है बिल्कुल इर्टिगा के साइज ही होगी। जिस साइज की इर्टिगा है, जिसकी लेंथ और विड्थ हाइट है, उसी सेम तरीके से इसको स्ट्रेच कर दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कम से कम 120 bhp की पावर निकाल के देगा। तो अगर आप बात करें डायमेंशंस की तो इसकी जो डायमेंशंस होने वाली है वो बिल्कुल इर्टिगा की जितनी होने वाली है। इसकी जो लेंथ होगी वो बिल्कुल इर्टिगा जितनी होगी, 4200 mm की होने वाली है इसकी लेंथ। लेकिन इसकी जो विड्थ है उसमें भी आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, जो काफ़ी क्योंकि एक 7 सीटर होने वाली है इसकी विड्थ भी काफ़ी बढ़ा दी जाएगी। और अब बात करें हेडरूम की तो ऑफिशियली इसका जो हेडरूम है वो काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा। जो इसकी थर्ड रो होगी उसके लिए तो इसका हेडरूम काफ़ी हद तक ऊँचा कर दिया जाएगा ताकि आप सभी इसके अंदर कंफर्टेबली 3 लोगों को तो बैठा ही सकें, ताकि किसी भी तरीके से शोल्डर रूम को लेकर कोई पंगा ना आए। और अब बात की जाए ग्राउंड क्लियरेंस की, इसकी जो पहली जो अल्ट्रोस थी इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165 mm का मिल जाया करता था, लेकिन जो अब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इसके अंदर आपको कम से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको R17 inch के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जो इसका फ्रंट लुक होने वाला है काफ़ी ज़्यादा बदलने वाला है। इसकी जो फ्रंट लुक में ग्रिल होगी वो काफ़ी ज़्यादा बदली हुई दिखाई देगी और इसका जो रियर प्रोफाइल है बिल्कुल रियर जो प्रोफाइल है इसका वो काफ़ी हद तक सेम होने वाला है, जो LED लैंप LED हेडलाइट जो काफ़ी हद तक सेम रहने वाली हैं। लेकिन जो इसकी साइड प्रोफाइल होने वाली है, इसकी जो साइड प्रोफाइल काफ़ी हद तक स्ट्रेच कर दी जाएगी, पीछे के जो पिलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़े कर दिए जाएंगे ताकि रो में किसी को बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप बात करें इसके इंटीरियर की तो इसके इंटीरियर में आपको एक सनरूफ देखने को मिल जाए जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसकी सनरूफ थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि ये एक 7 सीटर लॉन्च होगी, इसलिए इसकी सनरूफ काफ़ी बड़ी होने वाली है। और इसके अंदर आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग भी मिल जाएगा और सेमी माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर। और जैसा कि आप सभी को पता है इसके अंदर अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाएगा और जैसा कि आप सभी को पता है इसके अंदर 90° ओपनिंग डोर मिलते हैं जो काफ़ी कूल लगते हैं। इसके अंदर आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिला जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है और जिसके अंदर आप इसके अंदर आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले चला सकते हैं और इसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग और कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी देखने को मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और इसके फ्रंट में आपको कॉर्नरिंग हेडलैम्प भी देखने को मिलेगी और थर्ड रो के अंदर आपको AC वेंट्स, USB चार्जिंग पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे और इसके अंदर आपको थोड़ा बहुत बूट स्पेस भी मिल जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा लेकिन 70 या 80 लीटर का आई थिंक मिल सकता है। और इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाएंगे, इको, सिटी और स्पोर्ट मोड। और अगर बात करें प्राइस की तो ये कम से कम आपको अल्ट्रोस की प्राइस से 1 लाख रुपए तक महंगी मिलने वाली है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।